हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शो वी। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि एक आवाज़ निकल रही है, और एक आवाज़ मतलब एक वॉइस टू सपोर्ट द कॉज, द कंटेंट, द पर्पस बिहाइंड द कश्मीर फाइल्स। बहुत अच्छा लग रहा है और आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, और ये जान के और ज़्यादा आपको अच्छा लगने लग जाएगा कि जो इसके नंबर्स हैं उसके अंदर भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। पहले दिन जब स्क्रीन्स बहुत कम मिले थे, सिर्फ 450 मिले थे, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। उनकी मेहनत की वजह से अब 2000 स्क्रीन्स हो चुके हैं इसके, और वो दिख भी रहा है इसके नंबर्स के अंदर। जो रिपोर्टेड नंबर हैं ग्रॉस लेवल के ऊपर, वो आए 31.5 करोड़ रुपये। आप ये सोचिए कि ये मूवी पहले दिन सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए के आसपास इसने किया था, और वो मूवी पहले दिन की फिगर जो होती है मैक्सिमम डबल हो जाती है, लेकिन इसने कल संडे वाले दिन 17.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। और यही नंबर मैंने आपको लगभग, मैं ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूँ, पर मेरे को जितना स्क्रीन्स का पता चला, जिस तरीके से बुकिंग दिख रही थी, मुझे भी इसी तरीके की फिगर्स लग रही थी। अगर आप मेरे पास्ट वीडियोज़ को रेफर करोगे तो अमेजिंग नंबर्स है। मतलब दिस रिफ्लेक्ट्स कि जब अगर आपका कंटेंट सही प्लेस पे होता है, अगर आप उसके अंदर के जो जज्बात हैं लोगों तक पहुंचा पाते हो, और एक ऑनेस्ट तरीके से नरेटिव करते हो, कुछ भी गलत सुपरफिशियल नहीं करते हो, तो आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। और वो बेस्ट रिजल्ट सिर्फ ऐसे नहीं होते हैं कि आपके सिर्फ टिकट काउंटर पे दिख गए, वो पर्पस बन जाता है, और वो पर्पस बन जाता है चेंज लाने के लिए, जो सबसे बड़ा मिशन मैं बोलूँगा था इस मूवी का। तो बहुत अच्छा है, गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी, और लोगों तक ये पहुँचेगी। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 स्टेट्स के अंदर ये टैक्स फ्री भी हो गई है, और ये अच्छी बात है। और क्योंकि ये इन 3 स्टेट्स के अलावा, वीडियो रेफर कर लेना आप मेरा, उनके अलावा और भी स्टेट्स आई एम श्योर इसको फॉलो करेंगे, और वो वहाँ पर भी टैक्स फ्री हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी है और बिल्कुल दिल को छूती है। ये सब स्टेटमेंट्स भी आप सुन ही चुके होंगे, तो ओवरऑल जो पॉजिटिविटी है इसको लेके वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा लगा इसको देख के, और ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों ने इसको प्यार दिया है, आप ही लोगों ने इसके साथ जज्बात दिखाए हैं। कुछ लोग सेंटिमेंट्स में आके हल्के पुल्के अब्यूसिव भी हो रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो मैं समझ सकता हूँ उनके जज्बात। जब इतना ज़्यादा क्रुएलिटी होती है तो आदमी का दिमाग इस तरीके से चलता है, बट थोड़ा सा पॉज दो, और हर चीज़ को अपना एक समय लगता है होने के लिए चीज़ के लिए। यहाँ पर एक अच्छा स्टेप हुआ है कि सच्चाई लोगों के सामने आई है, और आई एम श्योर उसके ऊपर एक्शंस भी लिए जाएंगे, और होपफुली फिंगर्स क्रॉस आगे कभी इस तरीके का मंजर हमें शायद नहीं देखना पड़ेगा, हम हिंदुस्तानियों को। तो मिलते हैं फिर जल्दी एक और अपडेट के साथ, एक और रिव्यू के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।